आरसीबी के डगआउट से आ रही है एक बड़ी खबर जिसको सुनकर आप सब भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आरसीबी ने अपने डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट माइक हेसन और अपने हेड कोच संजय बांगर के साथ कंटिन्यू ना करने का फैसला लिया है। जी हाँ, आपको बता दे कि वो पिछले 5 साल से ये दोनों इस पोस्ट को संभाल रहे थे, लेकिन अगले साल ये हमें आरसीबी के खेमे में नहीं दिखाई देंगे। इसके अलावा विराट कोहली इन दोनों के साथ एक बहुत ही अच्छी इक्वेशन शेयर करते हैं और अक्सर मैच के बाद इन दोनों के साथ एक लंबी बातचीत करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि आरसीबी अब तलाश कर रहा है नए बैकरूम स्टाफ की जो आरसीबी को एक नई शेप दे सके, नई स्ट्रैटेजीज ला सके, नए प्लान्स ड्राफ्ट कर सके जिससे आरसीबी अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत सके। आपको बता दें कि पिछले साल भी आरसीबी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था। इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही है कि आरसीबी अपनी बॉलिंग कोच एडम ग्रिफिथ के साथ चेक करेगा या नहीं। इस बात पर भी निगाहें रहेगी कि आरसीबी फॉरेन कोच अपॉइंट करेगा या भारतीय कोच के साथ जाएगा। आरसीबी के फैंस भी इस बात से काफी नाखुश थे कि आरसीबी इतनी बड़ी टीम है, इतने बड़े बड़े नामों के साथ है, लेकिन फिर भी आज तक एक आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। अब यह देखना होगा कि आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी जीत पाएगी नए स्टाफ के साथ या नहीं। आपको बता दें कि दूसरी आईपीएल टीम्स भी नए कोचिंग स्टाफ अपॉइंट करना शुरू कर चुकी है। हाल ही में लखनऊ सुपर जायंट्स ने जस्टिन लैंगर को अपना हेड कोच अनाउंस किया। उनके पूर्व कोच एंडी फ्लार आईपीएल में दूसरी टीमों से बातचीत कर रहे हैं। अब देखते हैं कि अगले साल वो आईपीएल की जर्सियों में नजर आएंगे या नहीं। क्रिकेट से जुड़ी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल तूफान स्पोर्ट्स और हमारे पेज को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।